हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगर आपने स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग करवाई है उसके बाद आपके बाल बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं डैमेज हो चुके हैं जब आप कौन सी गलतियां आप कर चुकी हैं जिससे आपके बाल बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं तो अपने बालों को दोबारा से रिपेयर कैसे करें हाइड्रेशन कैसे प्रोवाइड करें अपने बालों को अच्छे से स्ट्रेट कैसे रखें कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो हेल्पफुल लगे कि वीडियो को कर करते लाइक चैनल को कर दे सब्सक्राइब तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो फ्रेंड्स आप मेरे बाल देख सकते हो मुझे एट मंथ्स हो चुकी हैं स्मूथनिंग करवाए हुए तो मैं अपने बालों की के कैसे केयर करती हूँ उसके रिलेटेड मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ अपने चैनल पर शेयर की है कि स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग के बाद आपको अपने बालों की केयर कैसे करनी है कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं कैसे अपने बालों की अच्छे से प्रॉपर केयर करनी है तो आप मेरे चैनल पे उसके रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस देख सकते हैं फ़र्स्ट जो हमारी गलती हो जाती है स्मूथनिंग करवाने के बाद कि हम प्रोफेशनल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हम सोचते हैं कि हम जो हमारे नॉर्मल शैम्पू है हम वो ही यूज़ करते हैं uh, हम प्रोफेशनल प्रोडक्ट ना ही प्रोफेशनल शैम्पू मास्क फिरम वग़ैरह यूज़ नहीं करते इसके कारण हमारे बाल बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं तो फर्स्ट गलती हम ये करते हैं कि हम कोई भी नॉर्मल शैम्पू यूज़ कर कर लेते हैं जिसके कारण हमारे जो बाल हो गए बाल होते हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं क्योंकि फ्रेंड जब हम स्मूथनिंग करवाते हैं बाल पहले से हमारे इतने ज़्यादा मतलब ड्राई हो जाते हैं और दूसरी गलती हम कर लेते हैं कि हम कोई भी हेयर मास्क वगैरह यूज़ नहीं करते हम सोचते हैं कि हम हमें हेयर मास्क वगैरह नहीं लगाना चाहिए बट फ्रेंड्स स्मूथनिंग करवाने के बाद हेयर सिरम को अच्छा शैम्पू को हेयर मास्क को अपने हेयर केयर रूटीन में ज़रूर आप ऐड कर लें आप देख सकते हैं कैरेटिन का न्यूट्रिशन हेयर मास्क है इतना ज़्यादा अफोर्डेबल हेयर मास्क है ओनली थ्री हंड्रेड में या टू हंड्रेड में आपको लोकल स्टोर में मिल जाएगा अगर आप कोई अच्छा भी ट्राई करना चाहते हो आप चाहते हैं बायोलाज का भी ले सकते हैं ये भी आपको फाइव हंड्रेड में लोकल स्टोर से मिल जाएगा इतने ज़रा अफोर्डेबल और गुड क्वालिटी के हेयर मास्क है अपने बड़ी जो कर लेते हैं तो समर है समर्स में बालों को खुला रख पाना इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता तो हम सोचते हैं कि हम ब्रेड बना लेते हैं या बन बना लेते हैं बट आपको ब्रेड वगैरह कुछ भी नहीं बनानी है क्योंकि फ्रेंड्स बालों में एक बैंड और वेव आ सकता है बालों को ज़्यादा बांधेंगे टाइटली बांधेंगे ब्रेड बनाएंगे या संक्रंच वगैरह यूज़ नहीं करेंगे अपने बालों को टाई करने के लिए ऐसे छोटे रबर बैंड यूज़ करेंगे इसके कारण भी आपके बाल बिल्कुल ख़राब हो सकती हैं तो आप देख सकते हो ऐसी ब्रेड आपको बिल्कुल भी नहीं बनानी है आप ज़्यादा पॉइंटल करके रात को सो सकते हैं और अपने बालों को इस तरीके से फोल्ड करके नीचे अपने रख के बिल्कुल भी नहीं सोना है बालों को बाहर की तरफ लटका के आपको सोना है काफ़ी ज़रा वीडियोस में मैंने आपको बताया कि बालों को आप पॉइंटल बना के सो सकती हैं जैसे विंटर्स हैं विंटर्स में तो आप बालों को खुला छोड़ के भी सो सकते हैं बालों को नीचे की तरफ लटका के आपको सोना है इससे आपकी हेयर ग्रोथ भी होगी बालों में एक बैंड नहीं आएगा वेव नहीं आएगा बाल हेल्थी रहेंगे टूटेंगे कम आपके पिल्लो कवर में बाल काफी जरा हद तक कम निकलेंगे वीकली हेयर पैक वगैरह आपको जरूर लगाना है यह भी मैं आपको बता रही हूं ये भी हम सबसे बड़ी गलती कर लेते हैं कि हम ज हम जो घर की रेमेडीज़ होती हैं वो नहीं यूज़ करते स्मूथनिंग वाले बालों पे घर की रेमेडीज़ भी हम स्मूथनिंग वाले बालों पे यूज़ कर सकते हैं वन मंथ के बाद टू मंथ के बाद कोई भी होम रेमेडी आप ट्राई कर सकती हैं बट ज़्यादा फ्रेंड्स वो केमिकल वगैरह नहीं आपको मतलब यूज़ करने क्योंकि पहले से हमारे बालों पर काफ़ी सारा केमिकल वाला वर्क होया होता है तो आप चाहें तो अच्छे प्रोडक्ट ही यूज़ करें हेयर मास्क को अपने हेयर के रूटीन में ज़रूर यूज़ करें आप देख देख सकते बायोलाज का शैम्पू है अफोर्डेबल बहुत ज़्यादा है ये आपको लोकल स्टोर से ओनली वन नाइन्टी फाइव रुपीज़ में या टू हंड्रेड रुपीज़ में ईजिली से मिल जाएगा ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग करवाई है वन मंथ के बाद आप ऑयलिंग करना स्टार्ट कर दें आलमंड ऑयल लें कोकोनट ऑयल लें चाहे मस्टर्ड ऑयल लें कोई भी लाइट वेट ऑयल आपको अपनी हेयर के रूटीन में ज़रूर ऐड करना है सबसे बड़ी हम यही गलती करते हैं कि हम ऑयलिंग नहीं करते हैं स्मूथनिंग करवाने के बाद तो आप ये वाली मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें अगर आपने रिबॉन्डिंग कैरेटिन स्मूथनिंग वगैरह कुछ भी करवाया है अपने बालों को ऐसा बन भी आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है क्योंकि फ्रेंड्स जैसे समर सीजन में इतनी ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है हम चाहते हैं कि हम अपने बालों को बांध के रखें टाई करके रखें बट बन नहीं आपको बनाना है मैं जस्ट तो आपको वीडियो में बना के दिखा रही हूँ मैं बन बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ आप चाहे तो लो पॉइंटेल करने बट फ्रेंड्स बालों को बिल्कुल भी आपको टाइटली फोल्ड नहीं करना है रोल नहीं करना है जिससे बालों को एक बालों में एक वेव आए वीक में एक बार ऑयलिंग करने कोई होम रेमेडी भी आप ट्राई कर सकते हैं वीक में कॉटन की हेल्प से बालों की लेंथ पे स्कैल्प पे अच्छे से ऑयल जरूर अप्लाई करें वीकली फ्रेंड्स आपको ऑयलिंग जरूर करनी चाहिए अगर आपने रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग करवाई है कोई भी आप रेमेडी भी ट्राई कर सकते हैं बट वो केमिकल वगैरह वाली नहीं होनी चाहिए लाइट वेटेड कोई भी होम रेमेडी आप ट्राई करें वीकली ऑयलिंग करें जिससे स्मूथनिंग अच्छी रहे आपकी बाल बिल्कुल झाड़ू जैसे ना बने पतले ना हो थिन हेयर की आपको प्रॉब्लम ना हो बेल्डनेट्स की आपको प्रॉब्लम ना हो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे स्मूथनिंग वाले बाल भी इतने ज़रा आपके हेल्थी रहेंगे मुझे काफ़ी ज़रा कमेंट आता है कि स्मूथनिंग करवाने के बाद हमारे बाल झाड़ू जैसे हो चुकी हैं बाल थिन हो चुके हैं बाल पतले हो चुकी हैं हम तो हम क्या करें ऑयलिंग करना बहुत ज़रा इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में आपको बताती हूँ कि स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग करवाने के बाद भी वन मंथ के बाद आप ऑयलिंग करना स्टार्ट कर दें आप चाहे तो नहाने से दो तीन घंटे पहले ऑयलिंग करें ओवरनाइट भी ऑयल ऑयल चाहे तो आप रख सकते हैं और जो तो सबसे बड़ी हम ये गलती कर लेते हैं कि हम स्मूथनिंग वाले बालों पे मेहंदी भी लगा लेते हैं बट ये फ्रेंड्स ये नहीं है कि आपको नहीं लगा सकते मेहंदी आप लगा सकते हैं बट ज़्यादा नहीं लगानी है आपको अगर वन मंथ में एक बार या फिफ्टीन डेज़ में एक बार आप मेहंदी लगाएं ज़्यादा मेहंदी लगाएंगे बालों को तो न्यू हेयर ग्रोथ जो हमारी आगे होगी इतनी ज़्यादा रफ़ हो जाएगी बाल बहुत ज़्यादा आपको ड्राई लगेंगे आपके फ्रीजी लगेंगे तो इसके कारण मेहंदी का यूज़ काफ़ी हद तक कम करें केमिकल वाली मेहंदी नहीं ट्राई करनी है निशा की मेहंदी है काफ़ी ज़रा हर्बल मेहंदी है आप चाहिए निशा की मेहंदी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम है तो इन बातों का आप स्मूथनिंग वाले बालों पर ज़रूर ध्यान रखें कुछ ऐसे ही हम गलतियाँ कर लेते हैं जिससे कारण हमारे बाल इतने ज़्यादा रफ़ ड्राई और डैमेज हो जाते हैं तो बाद में हम अपने बालों की अच्छे से केयर नहीं करते कि हमारे बाल बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं बाहर अगर आपको जाना है अपने बालों को कवर करके जाना है कोई भी फ्रल की हेल्प से कोई भी दुपट्टे की हेल्प से बालों को कवर करके जाएं अगर रिमॉन्डिंग या स्मूथनिंग करवाइए क्योंकि जो यूवी रेज होती हैं उससे उसके कारण भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो हो सकती हैं रफ़ हो सकते हैं तो बाहर अगर आपको जाना है अपने बालों को अच्छे से कवर करके आप ज़रूर जाएँ तो इन बातों का भी आप ज़रूर ध्यान रखें अगर बाहर आप जाती हैं जैसे हम फेस पे सनस्क्रीन लगाते हैं उसी तरह आपको अपने बालों को हेयर सीरम लगाना है और अच्छे से कवर करके बाहर जाना है जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है तो आप लो पॉइंटिल कर सकते हैं अगर बालों को खुला छोड़ना पॉसिबल नहीं है तो लो पॉइंटल कर ले सक्रंचज़ यूज़ कर लें इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें अगर बाहर आप जाती हों गर्मी भी आप रह रहे हैं गर्मे रह रहे हैं तो बालों को नहीं खुला छोड़ सकते तो लो पॉइंटेल आप बना सकते हैं उसके अलावा रात को आपको सोना है मैंने आपको बताया कि आपको ब्रेड बिल्कुल भी, भी नहीं बनानी है ऐसी लो पॉनिटेल लूजटेल बना के नीचे बालों को लटका के आपको सो लेना है तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे आपने रिबॉन्डिंग जहाँ स्मूथनिंग करवाई है वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दी चैनल को कर दे सब्सक्राइब मिलती हूँ मैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू बाय